ओम नमो नारायण। आज का जो मेरा पौधा है दंती का पौधा है। पहले यहाँ पे बहुत हुआ करता था मुझे, लेकिन आज इसको ढूंढना पड़ा। इसके पत्ती आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसके दो तीन पौधे मिले। अब इसमें फूल आना चालू होने वाला है और ये एरंड की तरह इसके बीज होते हैं। ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कभी आपको हो तो इसे रख सकें। इसे बिसल्या के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है और एनंड फ्ला। और ये छोटी दंती है, एक जो बज्र दंती होती है वो अलग होती है, उसे पिया बासा बोलते हैं। ये बज्र दंती नहीं है, ये दंती है। और ये जमाल घोटे का छोटा रूप भी कह सकते हैं इसे। तो इसका प्रयोग तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये जो है अपना, इसका रस भी कड़वा होता है, पत्ता भी कड़वा होता है, कटु होता है मतलब। और जो ये उष्ण वीर्य वाली है, ये यानी इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये हमारे लिए रक्त शोध के काम में आता है, या कोई फोड़े फुंसी हो गए तो इसके पत्ते को पीस करके लगाया जा सकता है। तो ये चर्म रोग को भी दूर करती है, यानी रक्त को साफ करती है, और कफ को भी दूर करती है, और दीपन भी है। तो इसके पत्ते का हमें काढ़ा यूज करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीव्र विरेचक है। अगर इसे हम इसका एक बीज ले लेते हैं तो ये विरेचक का कार्य करती है, लेकिन इसका एक से ज़्यादा बीज खतरनाक भी होता है। तो इसीलिए मैं उसका आपको, मैंने कोई अनुभूत नहीं किया तो आपको करने की सलाह नहीं दूंगा। तो इसकी जो जड़ है, जड़ से जड़ का हम काढ़ा बनाते हैं या पत्ते का बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब जड़ का हम काढ़ा बनाएंगे तो ये हमारे जितने भी विष शरीर के अंदर घुस गए, टॉक्सिन घुस गए, उसको बाहर निकालेगा। और इसके पत्ते का काढ़ा जो दमे की बीमारी में भी फ़ायदेमंद होता है, ऐसा हमने सुना था। और दंती मूल का काढ़ा जो है, इसका जो मूल है, इसका जड़ है, इसका हम उसका काढ़ा पियेंगे तो फीवर में भी काम करता है। तो इसके पत्ते को या इसकी जो जड़ है उसका हम, जो अपना शरीर में ब्लड में घुस जाता है टॉक्सिन वगैरह, दूषित जो बीजातीय पदार्थ उनके बाहर निकालते हैं, तो उसमें ही काम आएगा। देखिए स्प्रे का भी हो सकता है ये। ये तो पहले बहुत होता था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। मुझे उसको ढूंढना पड़ा इन झाड़ियों में। तो ये है, तो इसके जो पत्ते का है, जैसे घाव वगैरह भी हो जाता है आपको जो जल्दी नहीं भरते हैं, तो उसमें भी इसको कूट करके लगा सकता है, क्योंकि रक्त सोधक के तो घाव के ऊपर से भी काम करेगा। तो इसके दो तीन पत्ते का काढ़ा बना के पी लें और ऊपर से इसको पीस करके पुलटिस बांध दें हल्दी मिला करके। और मेरे हिसाब से गौमूत्र और हल्दी और इसका पेस्ट बनाएंगे तो जख्म भी भरेगा। तो इसके यही दो तीन प्रयोग हैं, बाकी मुझे इसका प्रयोग पता नहीं है ज़्यादा। और मैं इसका प्रयोग अपने इसीलिए घाव भरने के लिए ही करूँगा, जैसे जख्म वगैरह, गैग्रीन या किसी को फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो उस पर इसका प्रयोग करना है। तो मैं इसको अपने यहाँ लगा भी लूँगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि बचेगा पौधा यहाँ। ये इसकी देखिए तना है और इसके जड़े, पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, एक से दो ढाई फिट के ही होते हैं, एक से दो फिट के हो जाएंगे ज़्यादा, और कहीं कहीं हो सकते हैं दो तीन फिट के, लेकिन मुझे इससे बड़े पेड़ इसके नहीं दिखे। और ये बचपन में हम बहुत देखते, देखिए अब इसमें फूल आ रहा होगा, जहाँ पे भी पूरे गुच्छे में फूल आएगा। और इसमें एरंड की तरह फल आते हैं छोटे छोटे, और बीज भी एरंड की तरह निकलता है, तो इसको एरंड फला भी बोलते हैं, छोटा जमाल घोटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बीज से भी रेचक होता है। तो ये दंती है, और इसके साथ ही मैं आपको आज बज्र दंती के बारे में भी, दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें डालूँगा बज्र दंती। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।